फ्रेंड्स, आलू का पराठा बनाना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसे टेस्टी बनाने के लिए अगर थोड़े से ट्विस्ट के साथ इसे बनाया जाए तो इसका स्वाद ना ही सिर्फ बढ़ेगा बल्कि दुगना हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट रेसिपीज में आज हम आपके साथ शेयर करेंगे गर्मा गर्म आलू के पराठे। सो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। तो फ्रेंड्स, आलू का पराठा बनाने के लिए यहाँ हमने लिए हैं 4 से 5 मीडियम से छोटे साइज के आलू, जिसे हमने पहले से ही इस तरह से बॉईल करके रखा है। पराठा बनाने के लिए जब भी आप आलू बॉईल करें, ध्यान रखें कि एक विसल कम ही लगाएं। अब इन सारे आलूओं को हम इस तरह से एक एक करके ग्रेट करते जाएंगे। ग्रेट करके डालने से जो आलू का मिक्सचर होगा वो इवन रहेगा। अगर आप आलूओं को मैश करके डालते हैं तो कहीं से उनके पीसेस बड़े रह जाते हैं या कहीं से मैश हो जाते हैं, इसलिए वो एकदम अनइवन मैश होते हैं और अच्छे से प्रॉपरली मिक्स नहीं होते। इसलिए जितना हो सके इसे इस तरह से ग्रेट करके डालें। अब ये देखिए, सारे आलू को हमने ग्रेट कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। सबसे पहले इसमें डालेंगे बारीक कटा हरा धनिया। पराठे को तीखा फ्लेवर देने के लिए इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हरी मिर्च। आप चाहें तो हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। अब पराठों को ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे बारीक कटे फुदीने के पत्ते। जी हाँ, आपने सही सुना, फुदीने के पत्ते डालने से जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया रहता है। अब नेक्स्ट इसमें जाएगा स्वादानुसार नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर और 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डालकर इन सब को अच्छे से मिला लें, जब तक कि सारे मसाले आलू के मिक्सचर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये हमारा आलू के पराठे के लिए स्टफिंग तैयार है। आइए अब पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ हमने पराठे के लिए पहले से ही आटा गूंथ के रखा है। पराठे के लिए जो आपको आटा चाहिए वो ना ही ज्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आटा सख्त होगा तो पराठा बेलते टाइम जो स्टफिंग है वो बाहर आ जाएगी, और अगर जो आटा सॉफ्ट होगा तो भी स्टफिंग जो है वो बेलते टाइम फटकर बाहर आ सकती है। अब फ्रेंड्स, यहाँ हम आपको 2 तरीके से पराठा बनाना दिखाते हैं। सबसे पहले आटे का थोड़ा सा पोर्शन लेकर इस तरह से 2 मीडियम साइज की लोइयां तैयार करनी है। अब इसमें से एक लोई उठाकर इसे इस तरह से पूरी की साइज जितना बेल लेना है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे। इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे इस तरह से फिर से रोल कर देना है, ताकि जो नमक और मिर्च है वो आटे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब फिर से इसमें से 2 इक्वल साइज की छोटी लोइयां तैयार करेंगे और इसे पूरी के जैसे बेल लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब इसे हम फिलहाल साइड में रख देंगे और दूसरी लोई उठाकर इसे भी इसी तरह से पूरी के शेप में बेल लेना है। अब जो ये हमने आलू का मिक्सचर रेडी किया है, इसे इस तरह से रोटी के ऊपर रखेंगे और हल्के हाथ से दबाते हुए रोटी की सभी साइड्स पर इस तरह से हमें इसे फैला लेना है, ताकि जो आलू का मिक्सचर है वो इवनली स्प्रेड हो जाए। ऐसा करने से आलू का पराठा खाते टाइम उसकी एक एक बाइट में आप आलू का जो स्टफिंग है वो अच्छे से फील कर पाएंगे। अब जब आलू अच्छे से स्प्रेड हो जाए, उसके बाद जो ये हमने रोटी दूसरी बेल के रखी है, इसे इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और सभी साइड से सील कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर जरूरत पड़े तो इस तरह से थोड़ा सा ड्राई आटा डस्ट करें और फिंगर की हेल्प से दोनों लेयर्स को अच्छे से सील करना है। पराठे की साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी इसे अच्छे से सिक्योर कर लें। अब थोड़ा सा ड्राई आटा डस्ट करेंगे और पराठे को हल्के हाथ से बेल लेना है। पराठे को बेलते टाइम ज्यादा जोर ना लगाए, वरना जो स्टफिंग है वो बाहर आ सकता है और आपका जो पराठा है वो फट सकता है, इसलिए हमेशा इसे हल्के हाथ से रोल करके इस तरह से बेल लें। ये देखिए, हमारा पराठा रेडी है। अब इसे हम फिलहाल साइड में रख देते हैं और हम आपको अब दूसरी स्टाइल से पराठा बनाना दिखा देते हैं। इसके लिए दूसरी लोई लेकर इसे इस तरह से बड़ी रोटी की तरह बेल लेना है। अब इसके ऊपर स्वादानुसार नमक और लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे अच्छे से इस तरह से स्प्रेड करना है। अब नेक्स्ट जो ये हमने आलू का मिक्सचर रेडी किया है, इसे इस तरह से बॉल का शेप देंगे और इसे चपाती की कॉर्नर की साइड पे इस तरह से रख देंगे। अब चपाती की दूसरी साइड उठाकर इसे इसके ऊपर इस तरह से कवर करेंगे। अब इस तरह की बड़ी कटोरी लेकर इसे
आलू के स्टफिंग के ऊपर इस तरह से रखेंगे और हल्के हाथ से दबाते हुए साइड्स का जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम निकाल देंगे। अब कटोरी हटा देंगे और जो पराठे की जो दोनों लेयर्स हैं इसे हम फिंगर की हेल्प से प्रेस करते हुए इस तरह से सिक्योर कर लेंगे ताकि जो स्टफिंग है वो बाहर ना पाए। अब इसके बाद आलू का जो ये स्टफिंग है इसके ऊपर हल्का हाथ रखकर इसे हम आगे की ओर इस तरह से दबाएंगे ताकि जो हमने साइड समय सिक्योर की है वो अच्छे से सील हो जाए और जो आलू का स्टफिंग है वो सब साइड से इवनली स्प्रेड हो जाए। अब पराठे को उठाकर इस तरह से सारी साइड से चेक कर लेंगे और इसे अच्छे से सील कर देना है और उसके बाद इस तरह से ड्राई आटा डस्ट करके इसे हल्के हाथ से बेल लेना है। अब फ्रेंड्स ये पराठे की जो स्टफिंग है वो भी आप अपनी चॉइस के हिसाब से रखें। जैसे कि अगर हम पराठा ढाबा स्टाइल बनाते हैं या फिर पंजाबी स्टाइल से बनाते हैं तो उसमें जो आलू की स्टफिंग है वो काफी मात्रा में होती है और उसकी वजह से ये खाने में बहुत ही मजेदार लगते हैं। अब ये देखिए हमने दोनों पराठे बेल लिए हैं, आइए अब इन्हें सेक लेते हैं। पराठा सिकने के लिए तवा गर्म है। अब तवे को हम सबसे पहले थोड़ा सा घी डालकर ग्रीस करेंगे। अब इसके ऊपर ही आलू का पराठा डालेंगे और इसे दोनों साइड से सेक लेना है। पराठे को पलटते हुए दोनों साइड से एक बार सिकने के बाद इसके ऊपर आप अपनी पसंद के हिसाब से घी या फिर बटर डालकर इसे सेक सकते हैं। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है और ये दोनों साइड से गोल्डन क्रिस्प ना हो जाए तब तक इसे सेक लेना है। आप देख सकते हैं कि पराठा दोनों साइड से कितना बढ़िया सा गोल्डन एंड क्रिस्प सेक कर तैयार हो गया है। इसे देखकर ही मुंह में पानी आ जाए और इसे खाने का मन लग जाए ऐसा क्रिस्पी पराठा सर्व करने के लिए तैयार है। आइए अब इसे निकाल लेते हैं और जो दूसरा पराठा है इसे भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। अब जो ये दूसरा पराठा है इसे भी हम इसी तरह से दोनों साइड से तेल या फिर बटर डालकर अच्छे से सेक लेंगे। आपको ये हमारा पराठा बेलने की स्टाइल और स्टफिंग स्टाइल कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और फ्रेंड्स अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब ये देखिए दूसरा पराठा भी रेडी है, आइए अब इसे सर्व कर लेते हैं। इसके ऊपर इस तरह से हम बटर डालेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप इस पराठे को दही अचार या फिर पापड़ के साथ सर्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं। सो इस सिंधी स्टाइल हरी लहसुन और प्याज की कोकी बनाने के लिए हमें यहाँ चाहिए एक बड़ा बाउल गेहूं का आटा। इसमें हम ऐड करेंगे मीडियम पीसेस में कटी प्याज। यहाँ हमने 6 से 7 मीडियम साइज की प्याज लेकर इस तरह से इसे मोटा काट के रखा है। कोकी बनाने के लिए हम जो प्याज की साइज है थोड़ी सी मोटी रखते हैं, इससे जो कोकी का टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया रहता है। अब प्याज डालने के बाद इसमें डालेंगे एक छोटी कटोरी बारीक कटी हरी लहसुन। हरी लहसुन और प्याज का जो कॉम्बिनेशन है वो कोकी में बहुत ही बढ़िया लगता है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे एक छोटी कटोरी बारीक कटा हरा धनिया, 3 से 4 बारीक कटी हरी मिर्च, स्वादानुसार नमक। अब यहाँ हमने खड़ा नमक यूज किया है, आयोडीन वाले सॉल्ट के कंपैरिजन में ये नमक खाना बहुत ही हेल्दी होता है। 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और तेल या घी डालकर इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लेना है। फिलहाल हम यहाँ पे एक छोटी कटोरी तेल ले रहे हैं। इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो थोड़ा सा और तेल ऐड करेंगे। ये देखिए आटा अभी भी काफी ड्राई लग रहा है, अगर हमें कोकी करारी चाहिए तो इसमें थोड़ा सा और तेल ऐड करेंगे, यानी कि जितना इसमें हम मोयन ज्यादा डालेंगे आपकी जो कोकी है वो क्रिस्पी और करारी बनेगी और खाने में जो उसका टेस्ट रहता है वो बहुत ही मजेदार रहता है, इसलिए इसमें मोयन की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा रखें। अब यहाँ जितना हमने आटा लिया है इससे आप 10 से 12 कुकी बना सकते हैं। ये देखिए हमने सारी चीजों को अच्छे से मिला लिया है। अब इस स्टेज पर आप मसाले जरूर टेस्ट कर ले और अगर मसाले सही हो तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें मीडियम सख्त आटा तैयार करना है। ध्यान रहे आटा हमको थोड़ा सा सख्त ही रखना है क्योंकि जो प्याज है वो पानी छोड़ता है, इसलिए अगर आप जो आटा ढीला बांधेंगे तो जो प्याज है वो पानी छोड़ता जाएगा और आटा सॉफ्ट बनेगा और इससे आपको कोकी बनाने में दिक्कत आएगी, इसलिए आटा थोड़ा सा सख्त गूंदें। ये देखिए हमारा आटा गूंदकर तैयार है, आइए अब इसमें से कोकी बना लेते हैं। फ्रेंड्स वैसे तो हम कोई भी पराठा या फिर थेपले का आटा गूंदते हैं तब उसे हम 5 से 10 मिनट का रेस्ट देते हैं, लेकिन जब भी आप इस तरह से अगर प्याज की कुकी बना रहे हैं तो इसे रेस्ट ना दे, तुरंत ही इसमें से कुकी बना ले क्योंकि जो ये आटा है वो प्याज की वजह से थोड़ी देर के बाद सॉफ्ट होता जाता है, तो
तो आइए सबसे पहले हम इसके लिए लोई तैयार करते हैं। आटे का थोड़ा सा पोर्शन लेकर इस तरह से हम मीडियम से थोड़ी सी बड़ी साइज की लोई तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब इसे बेलने की और जो सेकने की जो हमारी स्टाइल है वो थोड़ी सी डिफरेंट रहती है। इसके लिए हम यहाँ पे एक चकला लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से लोई रखकर इसे हल्के हाथ से इस तरह से प्रेस करेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर हल्का सा बेलन भी घुमा सकते हैं। हमें इसे पूरा नहीं बेलना है, जस्ट हाथ से इस तरह से इसे दबाते हुए जो इसकी लेयर है वो थिक रखनी है। अब नेक्स्ट, यहाँ हमने तवा पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। इसे थोड़ा सा घी से ग्रीस करेंगे और इसके ऊपर ये लोई रखकर इसे दोनों साइड से हल्का सा सेक लेना है। अब इसके साथ जो हमने दूसरी भी लोई तैयार की थी इसे भी इसके साथ इस तरह से रख देंगे और दोनों लोइयों को दोनों साइड से एक बार सेक लेना है। और जब दोनों साइड से ये एक बार सेक जाएगी तब इसे हम बेल देंगे। ये देखिए, कोकी को हमने कच्चा पक्का सेक लिया है, आइए अब इसे निकाल देते हैं। अब जो ये दूसरी लोई है इसे भी हम दोनों साइड से कच्चा पक्का सेक लेंगे। अब आधी सिकी हुई कोकी को हमें इस तरह से बेल लेना है। कोकी की जो थिकनेस है वो अपनी पसंद के हिसाब से रखें। अगर आप मोटी कोकी पसंद करते हैं तो इसे थोड़ा सा मोटा बेलें और अगर आप इसकी जो थिकनेस है वो पतली या फिर मीडियम रखना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप इसे बेल लें। तो ये देखिए, हमने इसकी मीडियम थिक लेयर तैयार की है। इसे बेलने के बाद नाइफ की हेल्प से इस तरह से हम इसके अंदर कट्स लगाएंगे ताकि जब इसे हम सेकेंगे तब ये अंदर से भी अच्छे से पक जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा अब तक का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपकी लाइक करने से हमें बहुत ही खुशी मिलती है और साथ में मोटिवेशन भी मिलता है कि हम आपके लिए और भी आगे इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहें। सो अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे अभी से लाइक कर दें। अब ये दोनों कोकी को हमने बेल लिया है, आइए अब इसे सेक लेते हैं। तवा हमारा गर्म ही है, इसे हम घी से थोड़ा सा ग्रीस करेंगे और इसके ऊपर ये कोकी रखकर इसे सेक लेंगे। इसके ऊपर घी डालकर इसे दोनों साइड से सेक लेंगे। अब फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम सिंधी फैमिली से हैं और जो सिंधी लोग होते हैं उनको वो लोग भी ज्यादातर पंजाबी लोगों की तरह घी, बटर और तेल का यूज अपने खाने में ज्यादा करते हैं और साथ ही अलग अलग डिशेस खाने के शौकीन होते हैं। अब ये देखिए, कोकी को हमें दोनों साइड से घी लगाकर मीडियम टू हाई फ्लेम पर सेक लेना है। इसे तब तक सेक ले जब तक कि ऊपर से एकदम क्रिस्पी ना हो जाए और इसे खुरपी की हेल्प से इस तरह से हल्का हल्का दबाते हुए सेक लेना है। ये देखिए, बाहर से करारी और अंदर से सॉफ्ट कोकी बनकर तैयार है, आइए अब इसे निकाल देते हैं। और इसी तरह से जो दूसरी कोकी है इसे भी हम सेक लेंगे। सो फ्रेंड्स, आप भी इस सुपर टेस्टी और सिंधियों की मोस्ट पॉपुलर डिश प्याज और हरी लहसुन की कोकी को जरूर ट्राई करें। आप इसे चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं या फिर दही अचार के साथ भी ले सकते हैं। और अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें और इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। फ्रेंड्स, विंटर स्पेशल ब्रेकफास्ट रेसिपीज में आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मेथी के थेपले। ये बनाने में बहुत ही आसान है और टेस्ट में ये रहेंगे बहुत ही मजेदार और सुपर टेस्टी। इसे हम इस तरीके से बनाना दिखाएंगे कि जिससे कि ये बनने के बाद बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। इससे आपके बच्चे भी इसे बहुत ही आसानी से खा सकेंगे। तो चलिए चलते हैं किचन की ओर। आइए सबसे पहले हम आटा गूंद लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ एक बड़ा बाउल गेहूं का आटा लिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे 2 से 2.5 चम्मच बेसन। मेथी के थेपले में जो बेसन का फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया आता है, इसलिए आप इसमें बेसन जरूर ऐड करें। अब इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 बाउल मेथी के पत्ते। मेथी के पत्तों को आपको 3 से 4 बार साफ पानी से धो लेना है जिससे कि जो इसके अंदर की मिट्टी है वो निकल जाए। इसके बाद इसे इस तरह से इसकी फाइन चॉपिंग करनी है। अब नेक्स्ट इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच सफेद तिल। विंटर का मौसम चल रहा है इसलिए इसमें तिल जरूर डालें क्योंकि तिल जो होते हैं वो गर्म होते हैं और जो इनका फ्लेवर है वो थेपलों में बहुत ही बढ़िया रहता है, इसलिए इसमें तिल जरूर ऐड करें। अब इसके बाद इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक, 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्ची की जो क्वांटिटी है वो अपनी पसंद के हिसाब से रखें। 1/2 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। मेथी कड़वी होती है इसलिए हम इसमें दही ऐड करेंगे। यहाँ हम इसमें 2 से 3 चम्मच दही डालेंगे और 2 बड़े चम्मच तेल डालकर इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लेना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करना है। ये देखिए, हमारा डो तैयार है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे।
और उसके बाद इसमें से थेपले तैयार करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, आइए अब इसमें से थेपले तैयार करते हैं। सबसे पहले इस तरह से छोटी छोटी लोइयां तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और उसके बाद ड्राई आटे से कोट करके इसमें से थेपले बेल लेने हैं। अब बाकी के थेपले भी इस तरह से बेल लेंगे और उसके बाद इसे सेक लेंगे। ये देखिए, हमने सारे थेपले बेल लिए हैं, आइए अब इन्हें सेक लेते हैं। अब यहाँ हमने पहले से ही तवा गरम करने के लिए रख दिया था। तवे को थोड़ा सा घी से ग्रीस करेंगे और उसके बाद इसमें ये थेपला डालेंगे। फ्लेम को मीडियम रखना है और दोनों साइड से घी या फिर तेल डालकर इसे अच्छे से सेक लेना है। अगर आप थेपला क्रिस्पी पसंद करते हैं तो थोड़ा सा तेल ज्यादा डालकर इसे मीडियम आंच पर गोल्डन कलर आने तक सेक लें। और अगर सॉफ्ट चाहते हैं तो थोड़ा सा तेल कम डालें और उसके बाद इसे दोनों साइड से सेक लें। ये देखिए, थेपला अच्छे से सेक गया है। इसमें से मेथी और तिल की बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है। आइए अब इसे निकाल देते हैं। अब इसी तरह से हम बाकी के थेपले भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए, सारे थेपले अच्छे से सिक गए हैं, आइए अब इसे सर्व कर लेते हैं। हमने यहाँ इसे दही के साथ सर्व किया है, आप चाहे तो इसे अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप भी इस ठंडी के मौसम में गर्मा गर्म मेथी के थेपले बनाएं और अपने परिवार को खिलाएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। फ्रेंड्स, ठंडी की मौसम चल रही है और ऐसे में हर तरह की सब्जियां मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विंटर स्पेशल ब्रेकफास्ट रेसिपी मिक्स वेज थेपला, जो खाने में बहुत ही हेल्दी रहता है और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। सो फ्रेंड्स, ये हेल्दी और टेस्टी मिक्स वेज पराठा बनाने के लिए यहाँ हमने लिया है गेहूं का आटा। इसके अंदर अब हम सब्जियां ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कद्दूकस की हुई पत्ते गोभी। यहाँ हमने लगभग 2 चम्मच कैबेज ली है। नेक्स्ट इसमें डालेंगे ग्रेटेड ऑरेंज कैरेट, ये भी हमने 2 चम्मच ली है। सब्जियों की जो क्वांटिटी है वो आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जाएगा 2 चम्मच कद्दूकस की हुई लौकी, 1 चम्मच बारीक कटी हरी शिमला मिर्च, 2 चम्मच बारीक कटी प्याज, बारीक कटा हरा धनिया। अब इसमें डालेंगे स्पाइसेस, स्वाद अनुसार नमक। नेक्स्ट इसमें जाएगा 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच काला नमक, 1/2 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लहसुन मिर्च की पेस्ट और 1 से 1.5 चम्मच यहाँ हमने तेल लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। अब जो इसमें हमने सारी वेजिटेबल्स डाली है उसमें पानी की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी मात्रा में होती है, इसलिए इसमें पहले से ही पानी ऐड ना करें। सबसे पहले सारी चीज़ों को, सारी सब्जियों को अच्छे से मिला लें और अगर ज़रूरत पड़े तो ही बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर आटा तैयार करें। और जितनी हमने इसमें सब्जियां डाली है, इसके अलावा आप अपनी पसंद के हिसाब से बाकी की सब्जियां भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें पालक को भी बारीक काट कर डाल सकते हैं, या फिर मेथी के पत्ते, या फिर जो हरी लहसुन है उसे भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, हमने इन सबको अच्छे से मिला लिया है। अब इस टाइम पे आप सॉल्ट चेक कर लें, थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करेंगे। अब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें सख्त आटा गूंद लेना है। इसमें हमने जितनी भी सब्जियां डाली हैं उसमें मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, यानी कि इसमें जो पानी का कंटेंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, इसलिए आटा गूंदने के बाद जब इसे हम रख देते हैं तब थोड़ी देर के बाद ये आटा सॉफ्ट होने लगता है, इसलिए आटा हमेशा सख्त गूंदें। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये देखिए, हमारा आटा तैयार है, अब इसे हम ढक कर 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, आइए अब इसमें से थेपले तैयार करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आटे का पोर्शन लेकर इस तरह से मीडियम साइज की 4 से 5 लोइयां तैयार करेंगे। अब एक लोई उठाकर इसे ड्राई आटे से डस्ट करेंगे और हमें इसे चपाती की तरह पतला बेल लेना है।
फ्रेंड्स, इस थेपले के अंदर हमने बहुत सारी सब्जियों का यूज़ किया है, इसलिए ये बहुत ही हेल्दी रहता है। आप अपने बच्चों को और परिवार को ये थेपले की रेसिपी ट्राई करके ज़रूर खिलाएं। ये खाने में बहुत ही हेल्दी रहता है और जो मिक्स सब्जियों का जो फ्लेवर आता है, इसकी वजह से जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा रहता है। इसलिए खास करके विंटर की सीज़न में जब सारी सब्जियां मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है, तब इसे अपनी फैमिली को बनाकर ज़रूर खिलाएं। और अगर आपको हमारा अब तक का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को अभी से ही लाइक कर दें, ताकि हमें आगे भी इसी तरह से आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाने का मोटिवेशन मिले। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। इससे आपको हमारे आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलेगी। सारे थेपले हमने बेल लिए हैं, आइए अब इसे हम सेक लेते हैं। तवा हमने पहले से ही गर्म करके रखा है, इसे हम थोड़ा सा घी से ग्रीस करेंगे और इसके ऊपर ये थेपला डालकर इसे सेक लेंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है और दोनों साइड से तेल या फिर घी डालकर इसे सेक लेना है, जब तक के ये क्रिस्पी ना हो जाए। और अगर आप थेपला थोड़ा सा सॉफ्ट पसंद करते हैं तो थोड़ा सा तेल कम डालें और फ्लेम को मीडियम टू लो रखें। ये देखिए हमारा थेपला बनकर तैयार है, अब इसे हम निकाल देंगे और बाकी के थेपले भी इसी तरह से सेक लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने सारे पराठे सेक लिए हैं, आइए इन्हें अब सर्व कर लेते हैं। यहाँ हमने इसे दही के साथ सर्व किया है, आप चाहें तो इन्हें चाय या फिर अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये हेल्थी पराठे की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप मूली के पराठे में थोड़ा सा ट्विस्ट चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मूली और गाजर का पराठा। मूली और गाजर के कॉम्बिनेशन से ये पराठा बनेगा बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। तो ये टेस्टी और मजेदार मूली और गाजर का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम इन्हें ग्रेट कर लेंगे। यहाँ हमने 2 मूली ली है और 1 गाजर ली है, इन्हें छील कर साफ पानी से धो के रखा है। ज्यादा पतले ग्रेटर का यूज ना करें, हमें इसे थोड़ा सा मोटा रखना है। ये देखिए हमने मूली को कद्दूकस कर लिया है, अब इसी तरह से गाजर को भी ग्रेट कर लेना है। और जो लोग सिर्फ मूली का पराठा बनाना चाहते हैं वो गाजर स्किप करें। अब जब ये अच्छे से ग्रेट हो जाए उसके बाद गाजर और मूली का जो एक्स्ट्रा पानी है वो हमें निकाल देना है, वरना जो थेपला है वो अच्छे से नहीं बनेगा। हमने यहाँ इस तरह की कॉटन की चुन्नी ली है, इसके अंदर गाजर और मूली को एक साथ ही डालकर इसके अंदर का जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से इसे निचोड़ कर इसके अंदर का जो एक्स्ट्रा पानी है यानी कि जो जूस है वो निकाल देना है। अब इसे हम अलग प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। इसके बाद आइए अब इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। पैन में 2 चम्मच तेल डालें और तेल को गर्म होने दें। अब आधी छोटी चम्मच लहसुन मिर्च की पेस्ट डालकर इसे कुछ सेकंड तक भून लेना है। लहसुन मिर्च को हल्का सा पकाने के बाद इसके अंदर अब ऐड करेंगे कद्दूकस की हुई गाजर और मूली। इसे अच्छे से मिला लें। अब नॉर्मली जब भी लोग मूली का पराठा बनाते हैं तब उसे कद्दूकस करके उसमें से पानी निकाल कर सिर्फ मसाले डालकर इसे पराठे या फिर थेपले का शेप देते हैं, लेकिन यहाँ हमने इसे पराठे में स्टफ करने से पहले इस तरह से इसे हल्का सा पकाया है। इसकी वजह से जो इसका टेस्ट है और जो पराठे का फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया रहता है। अब इसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे स्वादानुसार नमक, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला डालकर इन्हें अच्छे से मिला लें। अगर आपको ये हमारी अब तक की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को अभी से ही लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए हमने इसे अच्छे से मिला लिया है, अब आखिर में इसके ऊपर हरे धनिये के पत्ते डालकर इसे कुछ देर तक ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये है हमारी कुछ और रेसिपीज, इन्हें देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फूडीज रेसिपीज को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। स्टफिंग ठंडा हो गया है, आइए पराठे बेलना शुरू करते हैं। अब यहाँ हम नॉर्मली जो पराठे के लिए गेहूं का आटा गूंथते हैं वही मीडियम सॉफ्ट आटा तैयार करना है। अब आटे को थोड़ा सा मसल कर इसमें से हम 1 लोई तैयार करेंगे और इसमें से ही इस तरह के 2 छोटे छोटे लोई के पेड़े तैयार करेंगे। अब इसे हमें बेल लेना है। इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई आटा डस्ट करेंगे और इसे चपाती की तरह बड़ी साइज में बेल लें। ये देखिए इस तरह से।
अब इसे साइड में रख देते हैं और इसी तरह से दूसरी लोई उठाकर इसे भी इस तरह से चपाती की तरह पतला बेल लेना है। ये देखिए हमने दोनों रोटियां बेल ली है। अब इसमें से एक चपाती लेकर इस तरह से इसके ऊपर स्टफिंग रखेंगे। स्टफिंग को सभी साइड से अच्छे से फैला लें और फिंगर्स की हेल्प से इस तरह से हल्का हल्का दबा लें। अब इसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है, इसके लिए इसके ऊपर इस तरह से थोड़ा सा ड्राई आटा डस्ट करेंगे। नेक्स्ट जो यहाँ हमने ये दूसरी चपाती बेलकर रखी है, इसे इसके ऊपर इस तरह से रखकर सारी साइड से इसे सील कर देना है ताकि जो स्टफिंग है वो बाहर ना आने पाए। अब इसे बेल लेना है। इसके लिए इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई आटा डस्ट करना है और इसकी साइड पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी थोड़ा सा आटा लगाकर इसे हल्के हाथ से बेल लेना है। इसे बेलते टाइम ज्यादा प्रेशर ना दे वरना जो स्टफिंग है वो बाहर आ सकता है। ये देखिए इस तरह से। अब इसी तरह से हम बाकी के पराठे भी बेल लेंगे। अब इसे सेकने के लिए हमने पहले से ही तवा गर्म करने के लिए रख दिया था। इसके ऊपर ये पराठा रखेंगे और इसे दोनों साइड से सेक लेना है। जब ये एक साइड से हल्का सा सिक जाए इसके बाद इसके ऊपर तेल या फिर घी डालकर इसे दोनों साइड से सेक ले। फ्रेंड्स इसी तरह से अगर आप अलग अलग तरह की पराठा रेसिपीज देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करें और वहाँ पराठा रेसिपीज की जो प्लेलिस्ट है उसे जरूर देखें। उसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ पराठा और थेपला रेसिपी शेयर की है, जैसे कि हरी लहसुन का पराठा, पालक का पराठा, इसके अलावा सिंधी स्टाइल प्याज और हरी लहसुन की मसाला कोकी, आलू का पराठा जिसे आप सब ने बहुत ही पसंद किया है, और मिक्स वेज थेपला की रेसिपी भी शेयर की है। और ये सारी पराठा रेसिपीज देखने के बाद हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सी थेपला या फिर पराठा रेसिपी ज्यादा पसंद आई। अब ये देखिए आप देख सकते हैं कि जो पराठा है वो बहुत ही अच्छी तरह से सिक गया है। आइए अब इसे निकाल देते हैं। अब इसी तरह से जो बाकी का पराठा है उसे भी सेक लेंगे। सो फ्रेंड्स आप इस गर्मा गर्म और मजेदार से मूली और गाजर के पराठे को दही या फिर अचार के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखिए इसकी एक लेयर हम आपको खोल के दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि जो इसकी स्टफिंग है वो सभी साइड से अच्छे से फैल गई है और ये पराठा दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव और कलरफुल लग रहा है। फ्रेंड्स पालक के पत्तों में कैल्शियम, आयरन, विटामिन्स और प्रोटीन काफी मात्रा में पाए जाते हैं और अगर ऐसे में इन्हीं पालक के पत्तों का यूज करके पराठे बनाए जाएं तो विंटर हो या फिर कोई भी सीजन हो ये हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं। सो फ्रेंड्स विंटर स्पेशल ब्रेकफास्ट रेसिपीज में आज हम आपके साथ शेयर करेंगे गर्मा गर्म पालक के पराठे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए यहाँ हमने लिया है एक बड़ा बाउल गेहूं का आटा। इसमें हम ऐड करेंगे एक बाउल बारीक कटे पालक के पत्ते जिसे हमने साफ पानी से 2 से 3 बार धो लिया है। अब नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे स्वादानुसार नमक, एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और 2 बड़े चम्मच तेल डालकर इन सबको अच्छे से मिला लेना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करना है। अब आटे को हम 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और इसके बाद इसमें से थेपले तैयार करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, आइए अब इसमें से पराठा बना लेते हैं। अब फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसमें से आपको लच्छा पराठा बनाना दिखाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम आटे का पोर्शन लेकर इस तरह से इसकी 3 से 4 लोइयां तैयार करेंगे। अब इसमें से एक लोई लेकर इसे ड्राई आटे से कोट करेंगे और चपाती की तरह बड़ी रोटी बेल लेनी है। ये देखिए इस तरह से। अब इसे बेलने के बाद इसके ऊपर इस तरह से घी लगाना है या फिर आप चाहें तो तेल भी लगा सकते हैं। घी लगाने के बाद इस तरह से इसके ऊपर थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे। अब नाइफ की हेल्प से इस तरह से इसकी मीडियम थिक स्ट्रिप्स काट लेनी है। अब सारी स्ट्रिप्स को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रोल करते जाना है और लच्छा पराठा के लिए लोई तैयार करनी है। अब फिर से इसे थोड़े से ड्राई आटे के साथ कोट करेंगे और इसे हल्के हाथ से बेल लेना है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें
ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये देखिए इस तरह से, अब इसे हम फिलहाल साइड में रख देते हैं। अब बाकी की लोई में से हम स्क्वायर शेप का थेपला तैयार करेंगे। अब इसके लिए लोई लेकर इसे इस तरह से ड्राई आटे से डस्ट करना है और इसे बड़ी चपाती के जैसे बेल लेना है और उसके बाद नाइफ की हेल्प से इसे इस तरह से स्क्वायर शेप देना है। अब बाकी के थेपले भी इस तरह से हमें बेल लेने हैं। तो देखिए सारे थेपले तैयार है, आइए अब इन्हें फटाफट से सेक लेते हैं। इसके लिए यहाँ हमने तवा पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। अब थोड़े से घी से हम तवे को ग्रीस करेंगे। अब थेपला डालेंगे और इसे सेक लेना है। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है और दोनों साइड पर घी या फिर तेल डालकर इन्हें क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। ये देखिए हमारा थेपला तैयार है, आइए अब इसे निकाल देते हैं। अब नेक्स्ट जो ये हमने लच्छा पराठा बेल कर रखा है, इसे भी हम तवे पर डालकर दोनों साइड से घी लगाकर अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए हमारा लच्छा पराठा भी सिककर तैयार है, अब इसे हम निकाल देते हैं और बाकी के पराठे भी इसी तरह से सेक लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे गर्मा गर्म पालक के थेपले सर्व करने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं कि इसमें से कितनी बढ़िया सी लेयर्स बन गई है। इसे बेलते टाइम जो हमने इसमें मोयन लगाया था उसकी वजह से ये खाने में बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं। ये देखिए इसे हाथ में लेते ही पता चल रहा है कि अंदर से कितना सॉफ्ट है और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी लग रहा है। इन थेपलों को आप पापड़ के साथ सर्व कर सकते हैं और उसके साथ दही या फिर अचार जो आपको अच्छा लगे इसके साथ ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इसे चाय के साथ भी ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके लिए सबसे पहले हम आटा गूंदेंगे। इसके लिए यहाँ हमने एक बड़ा बाउल गेहूं का आटा लिया है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हरी लहसुन जिसे हमने इस तरह से बारीक काट के रखा है। हमने यहाँ लगभग 100 से 150 ग्राम हरी लहसुन ली है। इसकी जो क्वांटिटी है वो आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसके साथ इसमें जाएगा स्वादानुसार नमक, 2 से 2.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 बड़े चम्मच इतना मोयन यानी कि तेल डालकर इसे अच्छे से मिला लेना है। इसे हमें इसी तरह से ड्राई फॉर्म में मिलाना है ताकि जो मसाले और हरी लहसुन है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और मीडियम सख्त आटा तैयार करना है। ये देखिए इस तरह से। अब आटा गूंदने के बाद इसे 10 मिनट तक रेस्ट देंगे, इसलिए इसे हम ढक देंगे और 10 मिनट के बाद इसमें से थेपले तैयार करेंगे। अब 10 मिनट हो गए हैं, अब इसमें से हम छोटी छोटी इस तरह से लोइयां तैयार करेंगे। थेपले की जो साइज है वो आप अपनी पसंद के हिसाब से रखें। अगर आप पराठे का शेप चाहते हैं तो लोई थोड़ी सी बड़ी रखें और अगर थेपले का शेप चाहते हैं तो इस तरह से छोटी छोटी लोइयां तैयार करें। तो ये देखिए हमने इस तरह से 3 लोइयां तैयार कर दी हैं। आइए अब इसे बेलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक लोई लेंगे और उसके बाद इसे ड्राई आटे में इस तरह से कोट करके इसे हल्का सा बेल लेना है। अब थोड़ा सा तेल या घी इस तरह से लगाकर इसे फोल्ड करके फिर से ड्राई आटे से कोट करना है और इसे बेल लेना है। बेलते टाइम जो इसकी थिकनेस है वो मीडियम रखनी है, ना ही इसे ज्यादा पतला बेलना है और ना ही इसे मोटा रखना है। अब ये देखिए हमने एक थेपला बेल लिया है, अब बाकी के थेपले भी इस तरह से तैयार कर लेंगे। ये देखिए सारे थेपले हमने इस तरह से बेल के रखे हैं, आइए अब इसे सेक लेते हैं। हमने यहाँ तवा पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तवे को सबसे पहले घी से थोड़ा सा ग्रीस करेंगे और उसके बाद इसमें ये थेपला डालेंगे। अब थेपले को हमें दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है। इसके ऊपर इस तरह से थोड़ा सा घी अप्लाई करेंगे और दोनों साइड से इसी तरह से गोल्डन कलर आने तक मीडियम आंच पर सेक लेना है। अगर आप कहीं पर ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो और इस तरह से अगर आपको ये थेपले लेके जाना हो तो इसे सेकते टाइम तेल या घी का थोड़ा सा यूज कम करें। इसे थोड़े से तेल में सेक कर
उसके बाद इसे प्लेट में निकाल दे और हल्का सा घी डालकर इसे एयरटाइट कंटेनर में आप इसे लेके जा सकते हैं। इसलिए अगर आप ट्रैवलिंग के लिए इसे लेके जाना चाहते हैं तो मीडियम आंच पर भुने और तेल थोड़ा सा कम डालें। और इसके अलावा थेपले सॉफ्ट बने रहे इसके लिए आटा गूंदते टाइम इसमें मोयन थोड़ा सा ज्यादा रखें, इससे जो थेपला है वो अंदर से सॉफ्ट रहता है। अब ये देखिए थेपला दोनों साइड से अच्छे से सिक गया है, आइए अब इसे प्लेट पे निकाल देते हैं। अब इसी तरह से हम बाकी के थेपले भी सेक लेंगे। तो फ्रेंड्स आप भी इस थेपले की रेसिपी को जरूर ट्राई करें, हमें उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अब ये देखिए सारे थेपले तैयार है, आइए अब इसे सर्व करते हैं। आप इस थेपले को चाय के साथ या फिर दही या अचार के साथ सर्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आपको ये विंटर स्पेशल ब्रेकफास्ट की रेसिपी कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। इसके लिए एक बर्तन में सबसे पहले हम गेहूं का आटा लेंगे, इसके बाद एक कप मैदा, थोड़ा सा नमक, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आप चाहें तो बेकिंग पाउडर स्किप कर सकते हैं, 2 चम्मच तेल डालकर इसे मिलाएंगे और पानी डालकर मीडियम सॉफ्ट आटा गूंथ लेना है। अब यहाँ हमने इसे आटा और मैदा दोनों का यूज़ करके बनाया है, आप चाहें तो इसे सिर्फ मैदे का यूज़ करके भी बना सकते हैं। ये देखिए जिस तरह से हम पराठे का आटा गूंथते हैं इस तरह से हमने मीडियम सॉफ्ट डो तैयार किया है। अब इसे ढक कर 10 से 15 मिनट तक रेस्ट देंगे। आइए अब मुगलाई पराठों के लिए स्टफिंग तैयार करते हैं। पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे और 1 चम्मच बटर डाल के इसे हल्का सा मेल्ट होने दें। बटर जब हल्का सा मेल्ट होने लगे तब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी प्याज और 1 चम्मच लहसुन मिर्च की पेस्ट डालकर इसे अच्छे से मिला लेना है और इसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। ये देखिए 2 से 3 मिनट के बाद अब प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब इस टाइम इसमें डालेंगे 1 बाउल फूलगोभी जिसे हमने इस तरह से पहले से ही ग्रेट करके रखा है, आप चाहें तो इसे चॉपर में भी क्रश कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें डालेंगे 1 बाउल ऑरेंज कैरेट, इसे भी हमने चॉपर में इस तरह से क्रश कर लिया है, आप चाहें तो इसे बारीक पीसेस में भी काट सकते हैं। अब आधी कटोरी बारीक कटी शिमला मिर्च डालकर इसे अच्छे से मिला लेना है, आप चाहें तो इसमें बाकी की सब्जियां भी अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच चाट मसाला और 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला डालकर इसे अच्छे से मिला लेना है। अब नेक्स्ट इसमें 1/2 कटोरी ग्रेटेड पनीर डालेंगे, इसके बाद थोड़ी सी चीज लेकर इसे भी इस तरह से ग्रेट करके इसमें डाल देंगे और इन सबको अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। और ये हमारा मुगलाई पराठों के लिए स्टफिंग तैयार है। अब कुछ देर के लिए इसे ठंडा होने देंगे और जब ये ठंडे हो जाए इसके बाद इसके ऊपर हरा धनिया डालकर इसे फिर से एक बार मिला लेना है। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा तेल लेकर आटे को इस तरह से अच्छे से मसल लेंगे और इसमें से 2 मीडियम साइज़ की लोई तैयार करेंगे। अब यहाँ हमें इसे बेल लेना है और एकदम पतली रोटी तैयार करनी है, ये देखिए इस तरह से। अब इसके बीच में इस तरह से स्टफिंग डालेंगे और रोटी को दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब बाकी के कॉर्नर से भी इसे इस तरह से सील करेंगे और थोड़ा सा आटा लगाकर इसे हल्के हाथ से बेल लेना है। अब इसे हम साइड में रख देंगे और इसी तरह से हम दूसरा पराठा भी रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स इतना हमने ये स्टफिंग रेडी किया है, इसके हिसाब से आप इसमें से 6 पराठे बना सकते हैं। ये देखिए हमारे दोनों पराठे इस तरह से बेल कर तैयार हैं। आइए अब इन्हें सेक लेते हैं। यहाँ हमने नॉनस्टिक तवे का यूज़ किया है, आप चाहें तो इसे रेगुलर तवे पर भी बना सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा बटर डालकर इसे हल्का सा ग्रीस कर लेंगे।
अब इसके ऊपर ये पराठा रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे दोनों साइड से सेक लेना है। दोनों साइड्स पर तेल या फिर बटर डालकर इन्हें गोल्डन एंड क्रिस्प होने तक सेक लेना है। आप चाहें तो इन पराठों को लंच में बना सकते हैं या फिर डिनर के टाइम पे भी इसे दही या फिर अचार के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट रहते हैं। जैसे कि आपने देखा कि इसमें हमने बहुत सारी सब्जियां डाली है और इसके अलावा पनीर, चीज़ और मसालों का जो कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। आप इस पराठे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे अब तक का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें। ये देखिए, पराठा बहुत ही अच्छी तरह से सिक गया है। आइए अब इसे निकाल देते हैं। अब इसी तरह से हम बाकी के पराठे भी सेक लेंगे। इसे इस तरह से बीच में कट करके इसे सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसे दही या फिर अचार के साथ सर्व कर सकते हैं।